यदि आप बड़ौदा यूपी बैंक के कस्टमर हैं, जिससे पहले इसका नाम पूर्वांचल बैंक और इससे पहले इसका नाम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हुआ करता था। जब पूर्वांचल ग्रामीण बैंक मर्ज हुआ तो पूर्वांचल बैंक हुआ, और पूर्वांचल बैंक जा करके काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक और बड़ौदा ग्रामीण बैंक में मर्ज होकर के बड़ौदा यूपी बैंक बन गया। तब से जा करके काफ़ी सारी चेंजिंग आई हैं, जिसमें IFSC कोड हो या अकाउंट नंबर में कुछ संख्या का कम या अधिक होना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंजिंग हुई हैं। देखते हुए एक और मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि 20 जनवरी 2023 से जितने भी चेक हैं, जो कि पूर्वांचल बैंक के हों या काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के हों, ये दोनों ही अब डिसकंटिन्यूड मतलब काम नहीं करेंगे, जो कि 20 जनवरी 2023 से काम नहीं करेंगे। और आज है 20 मार्च और 20 मार्च को ये काफ़ी लोगों को ये मैसेज आया है, एक दो दिन में सबको ये मैसेज मिल जाएगा, जितने लोग भी बड़ौदा यूपी बैंक के कस्टमर हैं ग्रामीण बैंक के। इसमें लिखा हुआ है अपने जो है होम ब्रांच पर आप कॉन्टेक्ट करें और नया चेकबुक इशू करा लें। मतलब ये है जितने लोग भी पूर्वांचल बैंक के या काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के या बड़ौदा ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं, ये सभी लोग एक नया चेकबुक इशू कराएं, जो कि बड़ौदा यूपी बैंक, अब आपको पता है हो गया है बैंक का नाम, ऐसे में आपको नया चेकबुक जारी कराना होगा, जो कि आप अपने ब्रांच से जारी कराएंगे। चेकबुक जारी कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ब्रांच जाकर के एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा का नाम, ब्रांच का नाम लिख देना है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट यानी कि विषय लिख देना है कि चेकबुक इशू करने के संबंध में, टू इशू द चेकबुक। नीचे लिख देना है सबने निवेदन है कि प्रार्थी आपके बैंक का कस्टमर है जिसका अकाउंट नंबर ये है, सेविंग अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट लिख दीजिएगा, और प्रार्थी को एक चेकबुक की आवश्यकता है, कृपया चेकबुक जारी करने की कृपा करें, नीचे प्रार्थी प्रार्थी का नाम और साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक चेकबुक इशू हो जाएगा बड़ौदा यूपी बैंक से। बाकी कुछ बैंकों में जो चेकबुक है और बाई पोस्ट आपके घर में आता है। तो यदि आप बड़ौदा यूपी बैंक के कस्टमर हैं, आपको इस तरह का मैसेज मिला है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक चेकबुक हो, तो आप एक चेकबुक जरूर इशू करा लीजिए। अगर आपके पास पुराना चेकबुक है तो वो काम नहीं करेगा, जो कि 20 जनवरी 2023 से ही वह काम करना बंद कर दिया है, जबकि मैसेज कुछ लेट सबको मिल रहा है। तो आप लोग भी अपना चेकबुक जो है जारी करा सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये मैसेज आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कोई चीज़ जो है बड़ौदा यूपी बैंक से पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।